स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे वर्कशीट 27 के बारे में, जो कि सब्जेक्ट साइंस की है, क्लास 10th के लिए जारी की गई है। 4 सितंबर की वर्कशीट है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे या अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। तो जब हम वर्कशीट को देखेंगे तो वर्कशीट में हम पाएंगे कि हमारा चैप्टर 6 NCERT यानी लाइफ प्रोसेस अभी भी चल रहा है, और इसमें हमारा जो पार्ट है लाइफ प्रोसेस का रेस्पिरेशन, इसी को कंटिन्यू किया गया है। पिछली 2 वर्कशीट से हम इसी को पढ़ रहे हैं, इसी के पार्ट्स को पढ़ रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि इस वर्कशीट में क्या कहा गया। तो सबसे पहले देखते हैं हम कि द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स बेस्ड ऑन द फंक्शन। तो ये जो बात बता रहा है, ये हमने पिछली बार पढ़ी थी कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम किस तरह काम करता है और कैसे वर्क करता है। तो उसी को जो सिस्टम को हमने पढ़ा था उसको ये डिवाइड कर रहा है बेस्ड ऑन फंक्शंस। तो ये देख लेते हैं क्या कह रहा है। ये पहला पार्ट है सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टिंग कैविटीज एंड ट्यूब्स दैट कंडक्ट एयर इनटू लंग्स, और दूसरा पार्ट है सिस्टम वेयर एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस अकर। तो अगर हम जनरल वे में देखें तो हम पाएंगे कि जो सिस्टम है रेस्पिरेशन का, उसमें जब हमारा आखिरी पार्ट आ जाता है, यानी कि वो पार्ट जिसमें लंग्स के अंदर का पार्ट शुरू होता है, यानी इस तरह लंग्स के अंदर का पार्ट शुरू हो जाता है, ये वाला पार्ट शुरू होता है जो कि सिंगल है, तब एक्सचेंज ऑफ गैसेस शुरू होता है। तो ये देख लेते हैं। तो आइए जरा एक बार आपकी बुक्स जो NCERT की बुक्स हैं उसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम के डायग्राम को और रेस्पिरेटरी सिस्टम को थोड़ा सा वापस देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। आइए जरा। तो ये है आपकी बुक का चैप्टर 6 NCERT का, इसमें ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम हम लोगों को देखना था। आइए रिवाइज कर लेते हैं इसे ज़रा। जब हम इसे देखेंगे तो हम पाएंगे कि नेसल पैसेज से इनटेक शुरू होता है, फिर वो कंट्रोल होता है लिनिक्स और ट्रैकिया के पास में, रिंग ऑफ कार्टिलेज के थ्रू पास होता है जो कि लंग्स में आता है, यानी कि एयर आपकी लंग्स में पहुंच चुकी है और यहाँ पे कंट्रोल हुआ है फूड का और एयर का ट्रैकिया और लिनिक्स के बीच में, और इसका इनटेक हुआ था नेसल पैसेज के थ्रू। अब जब ये डिवीज़न होगा, यानी कि एयर का इनटेक जो हो चुका है उसका डिवीज़न होगा और उसका वर्किंग शुरू होगा, वो फिर ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और एल्वियोलर सैक और एल्वियोलाई में होगा, और मेनली जो एक्सचेंज होगा वो एल्वियोलाई में होगा। यहाँ पे बहुत सारी जो आपकी ब्लड वेसल्स हैं वो आसपास O2 का और CO2 का एक्सचेंज करेगी अपने बेसिस पे जरूरत के हिसाब से, यानी इनटेक और एक्सेलरेशन के हिसाब से, और इसी हिसाब से ये ह्यूमन रेस्पिरेशन सिस्टम वर्क करेगा। तो उधर जाने से पहले एक चीज़ और देख लेते हैं क्या कहना चाह रहा है आखिरी आपका ये NCERT का पैसेज। ये कह रहा है व्हेन द बॉडी साइज ऑफ एनिमल इज लार्ज द डिफ्यूजन प्रेशर अलोन कैन नॉट टेक केयर ऑफ ऑक्सीजन डिलीवरी टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यानी अगर एनिमल का साइज ज़्यादा हो तो डिफ्यूजन प्रेशर अकेला ऑक्सीजन की डिलीवरी सभी पार्ट्स में नहीं कर सकता। इंस्टेड रेस्पिरेटरी पिगमेंट टेक्स अप ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर इन द लंग्स एंड कैरी इट टू टिश्यूज विच आर डेफिशिएंट इन ऑक्सीजन बिफोर रिलीजिंग इट, यानी कि इस तरह के केस में जहाँ पे एनिमल लार्ज साइज का है या ऑर्गेनिज्म लार्ज साइज का डिफ्यूजन प्रेशर काम नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट होगा और वो कि ये काम करेगा। तो आगे कह रहा है इन ह्यूमन बींग्स द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज हीमोग्लोबिन विच हैज़ अ वेरी हाई एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन, द पिगमेंट इज प्रेजेंट इन रेड ब्लड कॉर्प्स सेल्स, कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सोलेबल इन वाटर देन ऑक्सीजन इज, हैंस इट इज मोस्टली ट्रांसपोर्टेड इन द डिजॉल्व फॉर्म ऑफ आवर ब्लड। तो बेसिक वे में अगर एनिमल लार्ज है तो एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट होगा, वो ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज में अपना मेन रोल प्ले करेगा, और वही इफेक्टिव वे में ये देखेगा कि वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये तरह ही बात आपकी NCERT की। चलो आके देख लेते हैं आपकी वर्कशीट पर आपकी बार क्या लिखा हुआ, आगे क्या लिखा हुआ। तो वर्कशीट पर आने पर हमें वही चीज़ें देखनी है। सबसे पहले जो 2 डिवीज़न थे हमारे,
यानी कि डिवीज़न जो थे वो थे कि सिस्टम में हम लोगों को, पूरे सिस्टम को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, एयर के हिसाब से और रेस्पिरेटरी गैसेस के एक्सचेंज के हिसाब से। तो पहला है नोज, वार्म फिल्टर एयर एज इट इनहेल्ड, अभी बताया था। फिनिक्स पैसेज वे तो एयर लेट्स टू ट्रैकिया। लिनक्स वॉइस बॉक्स, ट्रैकिया कनेक्ट, ये कनेक्शन प्रोवाइड करता है ट्रैकिया, जो कि आपको रिंग लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिला था, मैंने बताया था आपको। यानी कि ऊपर क्या होगा, पैसेज जो एयर का है वो चालू हो गया है। हम देख रहे हैं आगे क्या, ट्रैकिया, ट्रैकिया कनेक्टिंग लिंक है और विंड पाइप है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पूरा का पूरा आपका जो कनेक्शन है फूड पाइप का और एक तरह से विंड पाइप का, उसको अलग अलग करने की कोशिश की गई। कहता है ये कनेक्ट फिनिक्स टू ब्रोंकिया, द रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रोवाइड स्ट्रक्चर एंड कीप द विंड पाइप एंड ओपन। ट्रैकिया लाइंड विद फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सीलिया विच फिल्टर एयर बिफोर इट एंटर्स। तो मतलब यहाँ पे फिल्टर होने के बाद एयर एक बार यहाँ पे भी फिल्टर होगी ट्रैकिया में। तो आगे दीज आर टू ब्रांचेस एट द एंड ऑफ ट्रैकिया विच लेड्स टू लंग। तो ब्रोंकाई क्या है, वेस्ट आखिरी ब्रांच है इंटरकनेक्टिंग ट्यूब की, जो लंग्स में एंट्री होने से पहले कनेक्ट करती है एयर पाइप को। चलिए तो आगे देखते हैं। अब एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, नर्वेस्ट एयरवेज ऑफ लंग्स डिलीवर एयर टू एक्सचेंज सरफेस ऑफ लंग्स। तो ये क्या कर रहा है, सबसे पहले एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए सरफेस प्रोवाइड कर रहा है। फिर उसके बाद एल्विलर डक्स ए नेटवर्क ऑफ स्मॉलर ब्रांचेस, इससे स्मॉलर ब्रांचेस को इनटू लंग टिश्यू एंड अल्टीमेटली टू एयर सैक। और आखिरी में जहाँ पे एक्सचेंज होगा वो ये है, द फंक्शनल एक्सपेरिमेंट ऑफ लंग्स वेयर गैसियस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड आर एक्सचेंज एंटर एंड एग्जिट द ब्लड स्ट्रीम। तो ये तो बात होगी आपकी ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के फंक्शन की, ब्रॉडली डिवीजन की। चलिए तो आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ इसमें। अब आप लोगों का जो पिछली वाली यूनिट में ही पढ़ा था आपने, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, यानी इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सपेलिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये बता रहा है। इनहेलेशन में क्या चीज़ें बता रहा है, इट इज़ टेकिंग ऑफ इन एयर रिच इन ऑक्सीजन इट अकर्स ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल अटैच्ड टू रिब्स, दिस लिफ्ट रिब्स एंड फ्लैटर डायफ्राम विच इंक्रीज द वॉल्यूम थोरेसिक कैविटी, हैज द प्रेशर इनसाइड द थोरेसिक कैविटी डिक्रीज एंड एयर रशेस इनसाइड ऑफ द लंग्स। यानी बेसिक वे में क्या होगा, जब एयर का इंटेक होगा तो सबसे सिंपल वे में हमारी जो चेस्ट है वो फूल जाएगी, क्योंकि कुछ अमाउंट ऑफ एयर हमारे अंदर जाएगी। सिंपलेस्ट वे में समझने के लिए ये सिंपलेस्ट वे है। और जब एयर आउट आएगी तो वो नॉर्मल साइज में आ जाएगी जो हमारी चेस्ट है। आगे ये जो बुक्स की लैंग्वेज है उसमें देख लेते हैं क्या कह रहा है। एक्सलेशन इज द एक्सपेलिंग ऑफ एयर रिचिंग कार्बन डाइऑक्साइड, इट अकर्स ड्यू टू रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स अटैच टू द रिब्स एंड डायफ्राम becomes dome shaped, the decrease in the volume of thoracic cavity and decrease air pressure and expel air out of lungs। तो ये तो बात हो गई आपकी inhalation और exhalation की। अब जरा बात कर लेते हैं gaseous exchange की। तो जब हम बात करें gaseous exchange की, तो gaseous exchange हमें पता है alveoli में होता है और ये between blood vessels के बीच में होता है। तो कैसे होता है ये देख लेते हैं। ये यहाँ पे ऊपर figure दिया हुआ है, ऑक्सीजन का डिफ्यूजन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज हो जाती है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। हम लोगों ने पढ़ा भी था अभी थोड़ी देर पहले हीमोग्लोबिन वगैरह के बारे में, तो वही हम चीज़ें देखनी है। चल देख लेते हैं जी। विद इन द लंग्स एल्वियोली प्रोवाइड्स अ सरफेस वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैन टेक प्लेस। द वॉल ऑफ एल्वियोली कंटेन्स एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ब्लड वेसल्स, द कैपिलरी ब्रिंग्स कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी टू रिलीज इनटू द एल्वियोली एंड द ऑक्सीजन इन द एल्वियोलर एयर टेकन अप बाय ब्लड इन द एल्वियोलर ब्लड वेसल टू बी ट्रांसपोर्टेड टू ऑल बॉडी सेल्स। ठीक है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड आई, बाहर गई ब्लड में से, ऑक्सीजन ली और बाकी के बॉडी में ट्रांसफर हो गई। अब आगे क्या कह रहा है ये, व्हेन द बॉडी साइज ऑफ एनिमल्स इज लार्ज द डिफ्यूजन प्रेशर कैन नॉट अलोन टेक केयर ऑफ ऑक्सीजन डिलीवरी टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। यानी हमने जो पढ़ा था एनसीईआरटी में वही कह रहा है। तो आगे क्या कह रहा है ये,
और कह रहा है रेस्पिरेटरी पिगमेंट टेक अप ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर इन द लंग्स एंड कैरी इट टू टिश्यू विच इज डिफिशेंट इन ऑक्सीजन बिफोर रिलीजिंग इट इन ह्यूमन बींग्स द रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन विच इज़ वेरी हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन दिस इज प्रेजेंट इन ब्लड RBC। तो यानी बेसिक वे में समझे तो डिफ्यूज़न कहाँ काम नहीं करेगा, डिफ्यूज़न काम नहीं करेगा जो ऑर्गेनिजम्स बड़े साइज के हैं, बिग साइज के हैं। और सेम वाज द केस इन द ह्यूमंस, ह्यूमंस भी एक लार्ज बड़े साइज का है। तो हमारे यहाँ रेस्पिरेटरी पिगमेंट है हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन RBC में होता है और क्या करता है, ये करता है काम ऑक्सीजन और CO2 के गैसियस एक्सचेंज का इन दी एल्वेलाई। तो ये तो बात हुई आपकी वर्कशीट की और रेस्पिरेटरी सिस्टम की। आज ये ज़रा देख लेते हैं क्या कर रहा है ये। व्हाट इज़ द फंक्शंस ऑफ रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, जो रिंग्स है कार्टिलेज की उसका फंक्शन क्या है। तो उसका फंक्शन अभी आप ऊपर ही देख लीजिए क्या लिखा है आपकी वर्कशीट में। तो ये है द रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रोवाइड स्ट्रक्चर एंड कीप द विंड पाइप ओपन, ट्रैकिया इज लाइंड विथ फाइन हेयर कॉल्ड सीलिया विच फिल्टर एयर बिफोर इट। यानी ये प्रोवाइड करती है स्ट्रक्चर को और विंड पाइप को ओपन रखने के लिए जो ये रिंग है। पूछ रहा क्वेश्चन नंबर 2, हाउ इज द ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड इन लार्ज मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म। इसके लिए ये हेमोग्लोबिन वाला, ये वाला आप लोगों को लिखना। फिर है तीसरा नंबर, एक्सप्लेन द मूवमेंट ऑफ डायफ्राम ड्यूरिंग इनहेलेशन एक्सहेलेशन। तो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में क्या होता है ये आपको पता ही है। एक में डायफ्राम कॉन्टैक्ट करेगा, एक में रिलैक्स करेगा, दूसरा मैकेनिज्म आपको पता ही है कि ये इसके साथ क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये तो ये आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो गई है, ये आपकी वर्कशीट 27। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करते हुए अपने दोस्तों को वीडियो देखने का मौका दें। थैंक यू।